हेलो दोस्तों, हिंदी शिक्षा चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे पर भाषण। तो आइए सुनिए माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यापक गण, अभिभावकों और मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा हार्दिक नमस्कार। इस महान अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष 2023 में हम भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है। गणतंत्र व्यवस्था बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का अर्थ जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु आजादी के बाद हमारे देश में किसी भी प्रकार का कानून या नियम देश के लोगों के लिए नहीं बना था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके बाद भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। भारत के संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक है। हमारे देश का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों व सभी राज्यों के राजधानियों में तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान का कार्यक्रम, परेड, भाषण, नृत्य, नाटक आदि प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर कई पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी होंगे। दोस्तों, हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। इस संविधान की रक्षा करना हम सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं देश के संविधान की गरिमा को बनाए रखूँगा। मुझे इस बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इतना कहकर मेरा छोटा भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।